दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, जिसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम में युवराज सिंह और MS धोनी से भी भयंकर खिलाड़ी की वापसी की है। दोस्तों इस खिलाड़ी ने T20 में जड़ रखा है दोहरा शतक और महज इतनी गेंदों में खेल डाली है 277 रनों के विस्फोटक और खतरनाक पारी। आप ये भी कह सकते हो भारतीय टीम में लौट आया युवराज सिंह और MS धोनी का भी वाप। आप भी जानना चाहते हो आखिरकार ये खिलाड़ी है कौन। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने वाला है, जिसका पहला T20 मुकाबला 10 तारीख को भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे खेला जाएगा, तो वही दूसरा T20 मुकाबला 12 दिसंबर वाले दिन खेला जाएगा, जबकि तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 14 दिसंबर वाले दिन खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। दोस्तों भारतीय टीम की ओर से सूर्य कुमार यादव कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नहीं खेल सके, लेकिन दोस्तों अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे।